अंदर सिटी में बर्फ का, ये देखिए हाथी बना हुआ, ये रिक्शा बना हुआ है, टुकटुक बना हुआ बर्फ का। तो 12 बज चुके हैं और हमें 3 बजे हमारी बस है पतंग के लिए, लेकिन हम लोग अब मिनी श्याम से निकल के अब जा रहे हैं अपना वंडरलैंड आइस फ्रॉस्ट पे, और कोशिश करते हैं कि इस थोड़े से टाइम में हम आपको वो भी दिखा दें। तो चलते हैं, बोल्ट हमने मंगवा ली, हम गाड़ी में बैठे हुए अब जा रहे हैं वहीं पे, बस दुआ करें टाइमली हम आपको दिखा सकें। आज गर्मी बहुत है, इतने दिनों में यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं थी जितनी आज है। जी व्यूअर्स, तो हम बड़ी तेज़ी से पहुँचे हैं यहाँ पे फ्रॉस्टिंग आइस पे, और यहाँ का टिकट हमें मिला है यहाँ पर 680 भात में ना, पर पर्सन 690 भात, 690 भात में हमें पड़ा है पर पर्सन, यानी कि 1380 भात में हमें ये मिला है दो लोगों के लिए, जिसमें जैकेट और शूज़ भी शामिल है। यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल ही वो ठंडे माहौल में ये बनाया गया है। ये मेरे पीछे भी स्क्रिप्चर्स देख रहे होंगे, ये तो सीमेंट के बने हुए हैं, और फ्रॉस्टिंग जो मैजिकल आइस का है वो आगे की तरफ है। चलें मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने वापस होटल पहुँचना है, वहाँ से लगेज उठाना है, और 3 बजे हमें पहुँचना है बस स्टॉप पर। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम आपको दिखा सकें वो हम आपको दिखाते हैं। और ये हमारे पीछे बनी हुई है चीज़ें, इन्होंने ये बनाई हुई है, वाड़ी है तो सीमेंट की बनी हुई है, और अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये एंट्रेंस है, अम्ब्रेला आउटसाइड, अम्ब्रेला रख दो भाई। यहाँ पर ये जैकेट्स वगैरह दे रहे हैं, और मैजिकल आइस, और ये यहाँ पे प्लेस बना हुआ है स्टे का। जी व्यूअर्स, तो ये हमने यहाँ पे कर लिए हैं शूज़ चेंज, और ये हमें यहाँ पे दिए गए हैं शूज़ इस एरिया में, और ये हम अपनी जो चप्पलें हैं वो रख रहे हैं यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, आगे से हम लेंगे जैकेट, जो लोग जैकेट्स पहन रहे हैं अभी हम लेंगे जैकेट, लगता है कि बहुत बहुत ही ठंडा है अंदर शायद। जी व्यूअर्स, ये हमें जैकेट पहना दिए इतनी गर्मी में यहाँ पे, थाईलैंड की गर्मी में, देखते हैं अंदर क्या है। ओहो हाँ जी, यहाँ पे फौरन ही एक ठंडक का एहसास सा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ज़िप बंद कर लो। बर्फ का, ये देखें हाथी बना हुआ, ये रिक्शा बना हुआ है, टुकटुक बना हुआ बर्फ का। बैठने के लिए बैठ के आप ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं।
गेट से होके आते हैं। सामने क्या है वहाँ देखते हैं। ये इग्लू बना हुआ है यहाँ पे। ओहो इग्लू में बच्चे बैठे हुए हैं। हेलो गुड। बच्चे यहाँ पे बर्फ पे स्लाइड्स कर रहे हैं। ओहो हो यहाँ पे तो बर्फ़ बिखरी पड़ी है। हाँ जी हाँ ये बर्फ़ आ रही है उड़ उड़ के। भाई ये यहाँ से बर्फ आ रही है, ये यहाँ से बर्फ आ रही है। ये देखिए क्या सिस्टम बनाया हुआ है लोगों ने, टेम्परेचर -15 का रखा हुआ है इधर। हाँ जी ये हमें मिली है ड्रिंक्स जो हम लोग यहाँ पे बर्फ के ग्लास में एंजॉय करेंगे। और ये ब्लू हवाई है, ये कोला है, और ये हम इस तरह लगा के इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी पिए जी पिए। चले जी ये ड्रिंक बार है और यहाँ ये बन रही है ड्रिंक्स, ये जनाब बना रहे हैं ड्रिंक। ओह ड्रिंक हाँ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे बंदा ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, हाथ पांव इतने ठंडे हो गए कि जमने को आ रहे हैं बस बिल्कुल ही। मैं कहता हूँ कि इतनी कूलिंग है यहाँ पे कि आपको बता नहीं सकता, मेरे तो हाथ पांव जम गए भाई। और हम निकलते हैं बाहर अब। घूमने के लिए चले जी आ जाओ देर हो गई हमें भी, हमें वापस जाना है। चलो जी बहुत हो गया, चलो जी बाहर जा रहे हैं। हाँ जी यहाँ पे खड़े होके खुद को नॉर्मल करो पहले, यहाँ पे खड़े होके खुद को नॉर्मल करो उसके बाद बाहर जाना, थोड़ी दूर में बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, यहाँ पे खड़े होके खुद को नॉर्मल करें फिर जो ना वो बाहर की तरफ जाए, और थोड़ा ना तरफ बाहर जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ जी हाँ तो क्या देखेंगे जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा ये आपको? ये पीछे बर्फ़ गिर रही है हमारे पीछे, और ये आइस रोज का कैसा लगा पार्क आपको? आप फैमिली के साथ ज़रूर आए, महंगा है बहुत, टिकट महंगी है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन टिकट बड़ा महंगा है यहाँ का, उसके हिसाब से जितना ये पार्क है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ बर्फ़ पे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल के आए, एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की और बच्चे उसमें एंजॉय करें। बेसिकली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये आपको दिखाना मकसूद था कि पताया में ये भी एक जगह है और -50 डिग्री पे यहाँ पे टेम्परेचर रखा हुआ है। ये मेरे पीछे देखे लोग इग्लू में अंदर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं, और इस तरफ बच्चे उस पर स्लाइड्स खा रहे हैं।
ये मेरे पीछे देखें, स्लाइड्स वगैरह खा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन माहौल लगा हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ठंड है, हमारे तो हाथ पांव जम गए हैं बिल्कुल ही ना। तो चले व्यूअर, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हाँ जी, और कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, अल्लाह। जी व्यूअर्स, हम लोग आ चुके हैं बाहर फिर से और ये इधर पता नहीं क्या बना हुआ है, आगे इन्होंने बनाया हुआ है। ये हम आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। आगे भी ये चीज़ें बना रहे हैं, कुछ और चीज़ें बन रही हैं। हाँ जी, ये यहीं तक है, उस तरफ नहीं जा सकते, वो वाइट वाला जो है ना वो अलग से बना हुआ है। ये भी कोई पार्क है बराबर में बच्चों का, ये शाम को ओपन होता है। ठंड से आके गर्मी में फिर बिल्कुल ही अजीब सा फील हो रहा है। चलें अब चलते हैं हम होटल की तरफ और उठाते हैं लगेज और जाते हैं स्टॉप की तरफ। और आज 16 घंटे का सफ़र है हमारा फुकेट का बाय बस। हमने बाय बस इसलिए तरजीह दी है, एक तो डिफरेंस बहुत था, अच्छा खासा डिफरेंस था बाय एयर में और बाय बस में। ये समझ लें कि दो टिकट पे कम से कम 7,000 भाव का डिफरेंस था। और हम लोग वैसे भी वीडियो बनाते हुए जाते हैं तो मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि हम वो सफ़र जो है ना वो बस में करें ताकि उस सफ़र की भी वीडियो हम आपके साथ बना सकें और बजट ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकें कि आया कि बस का सफ़र कैसा रहेगा अगर आप पताया से फुकेट की तरफ जाते हैं। और हमें दोस्तों ने बताया कि फुकेट में भी जो मेन जगह है वो पतोंग है और वहाँ जाएँ, वहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें ईजीली मिलेंगी। तो हम लोगों ने होटल भी उधर ही बुक करवाया है, तो चलें चलते हैं पतोंग। अब आपसे मिलते हैं बस के सफ़र के दौरान में, पतोंग का सफ़र देखेंगे कि बस का कैसा होता है।